भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी पर कांग्रेस सरकार से कई तीखे सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 4.5 साल से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबूत हमारी जेब में है, हम जाँच आयोग के सामने रखेंगे, जब जेब में सबूत है तो उसे जाँच आयोग क्यों नहीं दे रही है, वह मुख्य गवाह कौन है, उस मुख्य गवाह का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, वह कौन है जो हमले के बाद मोटरसाइकिल से भागा था। वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, वो इस छत्तीसगढ़ के, इस प्रदेश के कर्णधार रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे, और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की क्षति। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे, तो वो जांच आयोग के सामने, एनआईए के सामने उनके जेब में जो सबूत रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था। कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े क्यों हुए, इनके आला नेताओं के पास में भूपेश बघेल जी और बाकी लोगों ने जाकर कौन सा वीडियो सुनाया। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में किसको झापड़ मारी थी। ऐसा कौन शख्स है जो झीरम का मुख्य गवाह है, उसका नार्को टैक्स क्यों नहीं करवा देंगे भूपेश बघेल सरकार। कौन मोटरसाइकिल पे भागा था भूपेश बघेल जी, मुझे तो इस बात की कोफ्त है कि जिस पार्टी के 20 से ज्यादा वरिष्ठ नेता मारे गए और 4.5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए उन अपराधियों का, उन कल्पित का नाम सामने नहीं ला पाए, तो इससे निकम्मी सरकार कोई दूसरी नहीं। और अब कम से कम भूपेश जी, आपको तो सर माननी चाहिए, आपको अब झीरम के नाम पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को ताकत देने के लिए, आप 4.5 साल में सत्ता में बैठने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास में ऐसी भी जानकारी आई है कि झीरम के दिवंगतों का जो स्मारक बनाया गया था, वो स्मारक भी जर्जर हो गया। अगर उसमें भी आप भ्रष्टाचार करते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। आपको तो झीरम के मामले में, जब झीरम की घटना हुई उस समय देश के प्रधानमंत्री आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने एनआईए का गठन किया था, जांच के लिए दिया था, मैं भी उस बैठक में था राजभवन। और आज इतनी निरीह सरकार, इतने निरीह मुख्यमंत्री, जो अपनी नेताओं के मौत का बदला नहीं ले पाए, जो अपनी नेताओं के मौत के दोषी लोगों को सजा नहीं दिलवा पाए, तो इससे निकम्मे मुख्यमंत्री और निकम्मी सरकार दूसरी नहीं हो सकती।